सरकार के 8 साल पूरा होने पर पीएम मोदी का शिमला में बड़ा कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ होगा संवाद। शिमला में रिज मैदान से पीएम ने देश भर के लोगों को किया संबोधित, कार्यक्रम में करीब 17 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े। रिज मैदान से पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के तौर पर 21,000 करोड़ की रकम, कहा 2014 के बाद बदले देश के हालात। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया, अब सरकार सेवक है सेवक। रिज मैदान पर कार्यक्रम से पहले शिमला की सड़कों पर पीएम का रोड शो, भारी तादाद में जुटे समर्थक। थोड़ी देर में होगा पंजाबी सिंगर मूसेवाला का अंतिम संस्कार, आज सुबह अस्पताल से पैतृक गांव लाया गया शव। मनसा के मूसा गांव में निजी जमीन पर होगा सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार, घर के बाहर जुटी सैकड़ों की भीड़। पंजाब के बाकी हिस्सों और दूसरे राज्यों में मनसा पहुंच रहे हैं सिंगर सिद्धू के समर्थक, हालात संभालने के लिए भारी तादाद में पुलिस मौजूद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाला के 24 गोलियों के मिले घाव, सिर पर हड्डी में मिली गोली, सुरक्षा हटाने के एक दिन बाद हुई थी हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू के अंदरूनी अंग गोलियों से छलनी, बहुत ज्यादा खून बहने से हुई मौत। हमले के वक्त अड़ी में मौजूद रहे सिद्धू के दोस्त गुरविंदर सिंह की हालत में सुधार, लुधियाना के अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुरविंदर के मुताबिक उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने को कहा था लेकिन नहीं माने सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 7 लोग हिरासत में लिए गए, 6 संदिग्धों को पंजाब पुलिस ने देहरादून से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मदद करने का आरोप, एक आरोपी हत्या में हो सकता है शामिल। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सताया डर, हाईकोर्ट में अर्जी की तैयारी, तिहाड़ जेल से बाहर नहीं भेजने की मांग। दुनिया के सामने पहली बार आया ज्ञानवापी का सच, सर्वे टीम के वीडियो में दिखा ज्ञानवापी परिसर का एक एक कोना। वजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की साफ तस्वीर, मूल पत्थर के ऊपर दिखा अलग से लगाया हुआ सीमेंट। वजू खाने के निचले हिस्से में बने तहखाने तक नहीं पहुंच पाया कैमरा, ईंट पत्थर लगाकर रास्ता किया गया है बंद। निचले हिस्से में दीवारों और स्तंभों पर दिखे हिंदू प्रतीक चिन्ह, स्वास्तिक त्रिशूल डमरू और घंटियों के निशान। मस्जिद के गुंबद के नीचे मिला एक और गुंबद, हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर के गुंबद को घेर कर बना दी गई है मस्जिद। वजू खाने के अंदर की पहली तस्वीर आई सामने, तस्वीर में वजू खाने से पूरा पानी भरा दिखाई दिया। वजू खाने से पानी निकालने के दौरान का वीडियो भी आया सामने, वाराणसी नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालते दिखे। वजू खाने से पानी निकाले जाने के बाद हिंदू पक्ष ने किया था बाबा मिल गए का दावा। वजू खाने में मिले काले गोलाकार पत्थर के ऊपरी हिस्से में दिखा सुराख, हिंदू पक्ष के मुताबिक फव्वारा साबित करने के लिए छेड़छाड़ की कोशिश। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग और मूर्तियां मिलने के बाद ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आज ज्ञानवापी सर्वे के लीक वीडियो मामले में हिंदू पक्ष कोर्ट में देगा जानकारी, कहा वीडियो किसने किए लीक पता नहीं। मुस्लिम पक्ष वीडियो लीक होने पर जताई हैरानी, मुस्लिम पक्ष कोर्ट से वीडियो सार्वजनिक नहीं करने की कर रहा था मांग। हिंदू पक्ष ने दिखाया सीलबंद लिफाफे, कहा हमारे लिफाफे बंद, फिर किसने लीक किया वीडियो। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा सर्वे रिपोर्ट लीक होने के मामले में कोर्ट ही तय करेगा जिम्मेदारी। हिंदू पक्ष जो कह रहा था, जो दावे में लिखा है मैंने, मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि जो कुछ लिखवाया उन्होंने मुझसे सब अक्षरशः सही है। वीडियो लीक होने के चलते श्रृंगार गौरी मामले की याचिकाकर्ता महिलाएं सरेंडर करेंगी अपने सीलबंद लिफाफे, कल कोर्ट के आदेश के बाद मिली थी सर्वे वीडियो की कॉपी। कल कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर बाद सर्वे का वीडियो हुआ लीक, देखते ही देखते हो गया वायरल। दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय के बेटे ने लगाई ज्ञानवापी मामले में अर्जी, वाराणसी जिला अदालत से अपनी दलील सुनने की गुहार। ज्ञानवापी केस में 4 जुलाई को होगी सुनवाई, 1 जून से अदालतों में है गर्मी की छुट्टियां। कल बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलील का श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई के योग्य नहीं। आज मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह केस में होगी अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से पूरे परिसर की सर्वे कराने की हो रही मांग, ईदगाह वाली जगह पर असली जन्म स्थान होने का दावा। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि के पास मौजूद शाहीदगाह मस्जिद को हटाने की मांग, पूरे हिस्से को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं, बाहरी लोग डाल रहे याचिका। 19 मई को मथुरा कोर्ट में हुई थी सुनवाई, मथुरा कोर्ट ने ईदगाह से जुड़ी याचिका को सुनने योग्य मानते हुए किया था स्वीकार।
कर्नाटक के बीदर में दरगाह को लेकर उठा विवाद, मंदिर पर कब्जा कर दरगाह बनाने का दावा। बीदर में दरगाह के अंदर दिखे हिंदू आस्था जुड़े निशान, देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां। दरगाह की दीवारों पर जगह जगह स्वास्तिक और मगरमच्छ की नक्काशी, आगे के हिस्से में दरगाह का ढांचा। कर्नाटक के मंत्री ने लिया मामले का संज्ञान, का दस्तावेज मिले तो करवाएंगे जांच। प्रयागराज में गंगा घाटों की छिड़ा सफाई अभियान, पीएम मोदी की अपील के बाद आम लोगों ने उठाया बीड़ा। बीजेपी के यूपी कोटे के राज्यसभा उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन, आज दो नए नामों पर लगी मोहर। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने फाइनल के कुल 22 उम्मीदवार, कल जारी की थी 18 नामों की लिस्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कर्नाटक से और राज्यसभा उम्मीदवार, आज दाखिल किया नामांकन। राज्यसभा के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन, बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं दिया मौका। 7 जुलाई को खत्म हो रहा है नकवी का राज्यसभा कार्यकाल, 6 महीने में सांसद नहीं बने तो मंत्री पद जाना है तय। नकवी को रामपुर लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवार बनाने की अटकलें, राज्यसभा उम्मीदवार राधामोहन बोले पार्टी ने पहले ही कुछ सोचा होगा। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में घमासान, कई राज्यों के नेताओं ने बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजने जाने पर उठाए हैं सवाल। छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी ने कहा जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान। महाराष्ट्र कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने किया नामांकन, कहा मेरी उम्मीदवारी से पार्टी में कोई नाराज नहीं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों में से 1 सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच होगी लड़ाई, शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग आरोप। 5 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन जैन की आज कोर्ट में होगी पेशी। पेशी से पहले सत्येन जैन का मेडिकल टेस्ट ईडी दफ्तर में ही हुई जांच। सीबीआई ने सत्येन जैन के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज किया था केस। केजरीवाल ने सत्येन जैन की गिरफ्तारी को बताया फर्जी, कहा हमारी सरकार है ईमानदार। आप पार्टी के मुताबिक गड़बड़ियों से पहले सत्येन जैन दे चुके थे सभी कंपनियों से इस्तीफा, हवाला से कोई लेना देना नहीं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद, कल पीएम ने बच्चों से की मुलाकात। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सरकार देगी मुफ्त शिक्षा, 23 साल की उम्र में मिलेंगे 10 लाख रुपए। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में चूक, कार्यक्रम के दौरान फेंकी स्याही। टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पीटा, दोनों ओर से फेंकी गई कुर्सियां। खंडवा में जूनियर इंजीनियर ने काटी मंदिर की बिजली, लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर हुआ था विवाद। बरेली में खौफनाक सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 7 की मौत। डिवाइडर पर टकराकर कैंटर से भिड़ी एम्बुलेंस, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली से बरेली आ रही थी एम्बुलेंस, टक्कर के बाद गाड़ी चकनाचूर। नोएडा की प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की भीषण आग, कई घंटों बाद आग पर पाया जा सका काबू, लाखों का नुकसान। हल्द्वानी कोतवाली में भिड़े दरोगा और वकील, जमकर हुई मारपीट। तेज आंधी के साथ बारिश ने कल दिल्ली एनसीआर में मचाई तबाही, दिल्ली के गोल मार्केट और संसद मार्ग थाने के पास पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, पेड़ गिरने से कई रास्तों में लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के जंतर मंतर के पास पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी साफ सफाई करती हुई दिखी, गिरे हुए पेड़ों को हटाते हुए लोगों ने बनाया वीडियो। साउथ दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास से बारिश के बाद जलजमाव में डूबने से एक शख्स की मौत, दिल्ली पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। नोएडा के चोटपुर कॉलोनी में आंधी बारिश के दौरान दीवार गिरने से 10 महिलाएं और बच्चे बुरी तरह जख्मी, पुलिस ने आसपास के लोगों से मदद से लोगों को कराया भर्ती। जलंधर में खौफनाक हत्याकांड, पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास ससुर को तारा मौत के घाट। बेंगलुरु में अस्पताल की दीवार का एक हिस्सा गिरा, 2 लोग मलबे में दबे, 2 का रेस्क्यू। रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला इंस्पेक्टर से 5 लाख की लूट। अमरोहा में लूट कर भाग रहे बदमाश से एनकाउंटर, 1 पुलिसकर्मी घायल। हरदोई में बाहर आया घर का झगड़ा, बीच सड़क पर पति पत्नी की मारपीट। अलीगढ़ में कॉलेज कैंपस में शिक्षक के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, हिंदूवादी नेताओं ने की कार्रवाई की मांग, हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी। हरियाणा के रोहतक में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, फ्लैट में बियर की सैकड़ों बोतलें बरामद, दिल्ली में कर रही थी पढ़ाई। आगरा के एतमादपुर थाना इलाके में रेलवे ट्रैक के पास 2 डेड बॉडी मिलने से हड़कंप, लड़की बताई जा रही नाबालिग, जांच जारी। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी, कई हथियार बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की हुगली में आईपीएल की ऑनलाइन बेटिंग ने ली जान, 18,000 रुपए हारने के बाद लड़के ने लगाई फांसी। यूपीएससी परीक्षा की टॉपर श्रुति शर्मा के घर पर जश्न, पहला स्थान हासिल करने पर चारों तरफ से मिली बधाइयां। यूपीएससी परीक्षा में एक बार फिर बेटियों ने मारी आबादी, टॉप 3 पर लड़कियों का कब्जा। हापुड़ के पिलकुआ में रहने वाली शिवांगी ने यूपीएससी में 170वीं रैंक हासिल की, शादी के बाद दहेज उत्पीड़न की वजह से शिवांगी ने आईएएस बनने की ठानी थी। अपने पहले सीजन में आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली गुजरात टाइटंस ने मनाया जोरदार जश्न, अहमदाबाद की सड़कों पर निकाला विजय जुलूस। हार्दिक पांड्या और पूरी टीम आईपीएल ट्रॉफी के साथ खुली बस पर निकले,
सड़क किनारे मौजूद हजारों खेल प्रेमियों ने किया चैंपियंस का स्वागत। नेपाल के तारा एयर क्रैश के बाद नेपाली सेना का ऑपरेशन पूरा, आज सुबह आखिरी शव भी बरामद। हादसे वाली जगह से सभी शव काठमांडू लाए गए, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने की तैयारी।